चैनपुर के भीलवातला गांव में से एक कुएं से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। शव की पहचान रोत्या महेंद्र के रूप में हुई। बता दें कि रोत्या महेंद्र 1 जनवरी से लापता था। पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चैनपुर के सर्कल इंस्पेक्टर बैडू राव ने बताया कि मृतक के साथ आरोपियों ने 1 जनवरी के दिन मारपीट की घटना को अंजाम दिया। भागने के दौरान रोत्या महेंद्र कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रोतिया का लड़का महेंद्र रोतिया पिकनिक मनाने के लिए निकला था सुबह, जो देर रात तक घर वापस नहीं आया। तो घर वाले उसको खोजबीन किए, लेकिन रात्रि में कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुनः उनके द्वारा खोजबीन किए जाने के क्रम में पता चला कुछ लड़कों द्वारा उनके लड़के को मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई। निकान अंकित किया गया 6 लोगों के ऊपर और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस कांड में संलिप्त सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के क्रम में सभी ने अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार की है। सभी को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।